चलो जी, जो भी हुआ ना आज बड़ा अच्छा हुआ। मैं क्या जी, शायद बेचारे ने तो इतना खर्चा किया शादी में, लेकिन सब सवा हो गया, बर्बाद हो गया। मैं क्या जी, लेकिन कम से कम कामिया की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई ना। ये खर्चा तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर ये शादी हो जाती और उसके बाद उस अंगद की औकात का पता चलता तो क्या होता? सच सोनी पुत्र, मुझे तुम्हारी बहन पर भरोसा नहीं था कि वो इतनी बहादुर निकलेगी। हमारा शब्द तो है बड़ा किस्मत वाला, जिसे माही जैसी पत्नी मिली। चलो अब चल के ना अपने अपने कमरे में सब जाकर सो जाओ, थकावट हो गई है। जा सोनी पुत्र, तू भी जाकर सो जा, तेरे लिए थकावट अच्छी। सुनिए पुत्र, देख तुझे अगर भूख लगी ना तो मुझे कह देना, पुत्र मैं तेरे कमरे में कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। जी मम्मी जी। तुम भी जाकर सो जा। तुझे थकान नहीं हुई पुत्र? जा जाके सो। पापा नींद नहीं आ रही है, सोचता हूँ किताब पढ़ लूँ, वक्त कट जाएगा। अच्छा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इतनी कमजोरी क्यों हो रही है? रात बहुत हो गई, किसी को आवाज देना भी ठीक नहीं है। मैं खुद ही जाकर दूध पी लेती हूँ, शायद ठीक हो जाऊंगी। मुझे क्या हो रहा है?
ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये तो गैस की स्मेल है। शायद किचन में गैस लीक हो रही है। ये तो लॉक्ड है। भी नहीं खुल रहा है और गैस लीक हो रही है। सोनी उठो। पापा मम्मी जल्दी आओ। सोनी उठो। सोनी उठो। जीत कहाँ से आवाज़ आ रही है? जीत हम मैं क्या ची गैस की बड़ी बदबू आ रही है, कहीं गैस तो नहीं खुला रहेगा? लापरवाही अगर खुला रह गया तो अरेबा इसे क्या हुआ? जीत ये बेहोश कैसे हुई? पता नहीं कैसे गैस लीक हो रही थी, और जब मैं आया तो मैंने देखा कि सोनी यहाँ पर गिरी हुई है। अगर मैं सही वक्त पर गैस बंद नहीं करता तो आग लग जाती। आप लोग एक काम करिए, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। चलो जल्दी जल्दी चलो चलो सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दो। क्या कहना, पापा ये डॉक्टर इतना टाइम क्यों ले रही है? आई होप अंदर सब ठीक हो। ठीक होगा पुत्र, रब रखा है सब ठीक होगा। चीते ये क्या, तेरा हाथ तो बुरी तरह जख्मी है पुत्र, दिखाई दे। मैं क्या जी देखो कितना खून बह रहा है। नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा आप खामखा घबरा रही हैं। डॉक्टर अब सोनी कैसी है? सब ठीक तो है ना? और बच्चा वो तो ठीक है ना? डॉक्टर ये सब हुआ कैसे? अब सोनी बेहोश ऐसे कैसे हो गई? डोंट वरी वो बिल्कुल ठीक है। ज्यादा थकान की वजह से और कभी कभी चक्कर आने से ऐसी हालत में थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ जाती है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मिसेस सोनी खुराना बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। थैंक गॉड। फीस मैं आपकी फीस लेकर आता हूँ अभी। एक मिनट, आपके हाथ पर तो काफी चोट आई है,
लाइए, मैं आपकी भी पट्टी कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप इसकी फिक्र मत करो, आप इसके हाथ में पट्टी बांधो, इसे तो अपनी फिक्र है ही नहीं। हाँ डॉक्टर जी। हाँ आइए। मुझे और भी पेशेंट को देखना है। डॉक्टर थैंक यू। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। वो बिल्कुल ठीक है, फिक्र कोई बात नहीं है। आप तो बड़ी मेहर जी। पापा